So ICDS-9 borrowing cost talks about exactly what? तो borrowing cost आपको ये बताने नहीं आया कि interest interest को recognize कैसे करते हैं. तो usually interest को recognize कैसे करते हैं? इंटरेस्ट को आप अगर मैंने बोलो कि आपने कुछ लोन लिया हुआ है, हाँ सर ठीक है कुछ लोन लिया हुआ है, तो लोन के ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट को यूजुअली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो. दिस इज यूजुअल. इंटरेस्ट को क्या करते हो? आप एक्सपेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो. दैट मींस यू इमेजिन इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऐसा आप इमेजिन करते हो कि इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक्सेप्शन क्रिएट किया हुआ है ICDS-9 के थ्रू. ICDS-9 बोलता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोलता है, ठीक है ना, कि नहीं 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 दो टाइप के लोन लोन होते हैं. दो टाइप के लोन कौन से? एक स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट, मतलब है कोई तो एक फिक्स असेट लेने के लिए आपने स्पेसिफिक लिए उसके कनेक्शन में है, स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट या जनरल बोरिंग कॉस्ट. नॉन स्पेसिफिक या जनरल बोरिंग कॉस्ट, जो आपने जनरली बोरो करके रखा है उसमें का भी कुछ कुछ पैसा आप यूज करते रहते हो ये फिक्स असेट बनाने के लिए. अभी फिक्स असेट कौन सा फिक्स असेट सर? ये फिक्स असेट ये था या इसको असेट बोलना चाहिए, फिक्स असेट नहीं बोलना चाहिए. दिस इज द असेट व्हिच इज अ क्वालिफाइंग असेट. अ क्वालिफाइंग असेट इज द असेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू यूज. तो यहाँ पे इसको बनने के लिए क्या लगता है? सब्सटेंशियल टाइम लगता है. अब सब्सटेंशियल टाइम क्या होता है? दैट्स अ मैनेजमेंट कॉल. मैनेजमेंट बताएगा कि हमारे लिए सब्सटेंशियल टाइम कितना होता है. मैनेजमेंट शायद बताए हमारे लिए सब्सटेंशियल टाइम मतलब एक साल होता है, या हमारे लिए सब्सटेंशियल टाइम मतलब दो साल होता है, या हमारे लिए सब्सटेंशियल टाइम मतलब सिक्स मंथ होता है. तो जो भी है ये क्वालिफाइंग असेट अगर होगा, दैट मीन दिस असेट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू यूज. तो उन्होंने बोला है ये जो बोरिंग कॉस्ट है ये बिफोर पुट टू यूज. ये बात हमारी टीजीबीपी में हो चुकी है. दो बातें होती है यहाँ पे. दिस इज द डेट ऑफ पुट टू यूज. डेट ऑफ पुट टू यूज तो हमने हमेशा बोला हुआ है एनी बोरिंग कॉस्ट पेड बिफोर डेट ऑफ पुट टू यूज is a capital in nature and therefore it should be removed from P&L account. P&L account में से उसको remove करना चाहिए capital cost को and it should be capitalized to the actual cost of the asset. तो ये यहाँ पे जितना भी आपने भरा हुआ है वो actual cost of asset में add होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो capital nature में है. And any borrowing cost paid after date of put to use is a revenue nature. और जो revenue nature में होता है उसका आपको डिडक्शन मिलता है. यहाँ पे डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में. सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में. और ये जो कैपिटलाइज करना है ये बात लिखी गई है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना. और ICDS, ऑब्वियसली ICDS भी है. तो मैंने जो भी बोला आप लोगों को समझा. बोरिंग कॉस्ट के बारे में आप क्या याद रखोगे? बिफोर डेट ऑफ पुट टू यूज का अगर इंटरेस्ट बर्डन आपने भरा होगा तो उसको कैपिटलाइज करना है, और आफ्टर डेट ऑफ पुट टू यूज वाला होगा तो उसको डिडक्शन क्लेम करना है. इज इट क्लियर? यस, ठीक है ना. उसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. अभी डिटेल में बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स के थ्रू बात करते हैं. द स्टैंडर्ड डील विद द बोरिंग कॉस्ट. ओके सर, बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या? बोरिंग कॉस्ट में बहुत सारी बातें आती है लेकिन इतना पक्का है जो शेयर होल्डर को हम देते हैं डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड वो बोरिंग कॉस्ट में नहीं आता. हाउएवर द स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर या ओनर्स इक्विटी को आप देते हो, जितना इक्विटी शेयर्स को देते हो वो बोरिंग कॉस्ट नहीं चलेगा, ठीक है. वो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है. बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट, ठीक है. इंटरेस्ट तो बोरिंग कॉस्ट होता है. एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड. सर अदर कॉस्ट मतलब प्रोसेसिंग फीस होता है, कन्वर्जन कॉस्ट होता है, कभी कभी हम कंसल्टेंट को अपॉइंट करते तो कंसल्टेंट का कॉस्ट होता है. तो बोरिंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ द फंड एंड इंक्लूड कौन से? कमिटमेंट चार्जेस. सर ये कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं? बैंकिंग लैंग्वेज में कमिटमेंट चार्जेस ऐसे होते हैं कि अगर आपने बैंक से 10 करोड़ का ओडी अकाउंट लिया हुआ है. ओडी अकाउंट सुना है आपने बचपन में? ओवरड्राफ्ट अकाउंट. आगे जाके आपने दो करोड़ यूज किया तो दो करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट भरना है. और अगर आपने कुछ भी यूज नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं भरना है. तो मुझे बताओ आपने 10 करोड़ रुपया बैंक से सैंक्शन लेके रखा हुआ है, डिसबर्समेंट लेके रखा हुआ, मतलब कभी भी विड्रॉ कर सकते हो,
तो बैंक आपके लिए उतना फंड रिजर्व करके रखता है कि ये बोरोवर ये पैसा कभी भी हमारा यूज कर सकता है, जब यूज करेगा तब इंटरेस्ट भरेगा। बोरोवर ने साल भर यूज ही नहीं किया, बैंक पागल हो गई इतना पैसा रिजर्व रखे। तो बैंक ने बोला देखो सर, अगर हम आपको 10 करोड़ का एफडी दे रहे हैं ना, 10 करोड़ का ओडी दे रहे हैं ना, तो इसमें का कमिटमेंट करो सर, कमिटमेंट करो कि ऑन एन एवरेज 70% तो आप यूज करते रहोगे बार बार और उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, नहीं करोगे तो आपको कमिटमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अमोर्टाइज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरिंग। कभी कभी बोरिंग कैसे होता है, डिबेंचर के थ्रू होता है, और डिबेंचर कैसे इश्यू होता है, डिस्काउंट पे, और रीडिंग कैसे होता है, प्रीमियम पे। तो जो आपने डिस्काउंट दिया हुआ या प्रीमियम दिया हुआ है, डिस्काउंट इश्यू के टाइम पे तो कॉस्ट होता है, और प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे तो कॉस्ट होता है, तो वो आपको कॉस्ट को भी अमोर्टाइज करना पड़ेगा। अमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एंसिलरी कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग। एंसिलरी कॉस्ट मतलब आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लिया, ठीक है ना, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 3 लाख रुपया लिया, तो वो भी आपका कॉस्ट ही है। फाइनेंस चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेट अक्वायर्ड अंडर द फाइनेंस लीज। अगर आपने फाइनेंस लीज पे लिया होगा तो आपको फाइनेंस चार्जेस भरने पड़ते हैं, हायर परचेस के चार्जेस भरने पड़ते हैं, वो भी आपके बोरिंग कॉस्ट है। चलो ठीक है, बोरिंग कॉस्ट क्या क्या है वो बातें हमारी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिकग्निशन। रिकग्निशन मतलब मुझे एक बात बताओ, जब बेबी डिलीवर होता है तो आपको पता है उसको आप टैग लगा देते हो, ओ यू आर अ बॉय यू आर अ गर्ल, किधर देखना होता है पता है ना आपको। हेलो, जब बेबी बॉर्न होता है तो आपको पता है ना किधर देख के उसको रिकग्नाइज करना होता है, बोलो। नहीं मतलब बताओ मत मुझे, तुम लोगों को समझ रहा है ना, मैं आपको रिकग्नाइज वर्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ पता है, थैंक यू थैंक यू। तो वैसे इंटरेस्ट को देख के आपको उसको रिकग्नाइज करने आना चाहिए। ओहो, क्या रिकग्नाइज करना आना चाहिए, क्या ये इंटरेस्ट कैपिटल नेचर इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर इंटरेस्ट है। रिकग्नाइज मतलब समझते हो, पहचान होनी चाहिए उसकी आप लोगों को, ठीक है ना। हेलो, रिकग्नाइज वर्ड समझे आपको? यस सर। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, शैल बी कैपिटलाइज। आप समझ रहे हैं, डायरेक्टली मतलब वो आपको डायरेक्टली, आप बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है, वो तो कैपिटल नेचर ही होगा ना। हेलो, तुमको समझ रहा है? हाँ, कैपिटल नेचर ही होगा। yes, तो क्वालिफाइंग असेट मतलब क्या, क्या सारे असेट क्वालिफाइंग असेट है? नहीं 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 नहीं, क्वालिफाइंग असेट मतलब लैंड बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर बीइंग टैंजिबल असेट। सर इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस फ्रेंचाइजी एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और बीइंग इंटेंजिबल असेट। सर इन्वेंटरी भी हो सकता है क्या? हाँ इन्वेंटरी सर, लेकिन स्टॉक तो ऐसा सुबह मशीन में डाल दिया रॉ मटेरियल, दोपहर तक WIP, शाम को फिनिश गुड्स। बाबा वैसा स्टॉक भी होता है, मुझे बताओ वाइन, वाइन बनाने के लिए या विस्की बनाने के लिए कितना टाइम लगता है प्रलय? वाइन बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? तुम्हें पता है कभी दारू? अच्छा तुम लोगों, ये तो इतना तो पता होगा ना, ओल्डर द लीकर हायर द प्राइस, इतना तो पता है। यस 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 सर। माहौल बना बनाते हो लगता है कभी कभी। अभी पांडा का बर्थडे आ रहा है, माहौल बनेगा, अभी बनेगा बनेगा माहौल बनेगा, वहां बैठेंगे बैठेंगे, ठीक है ना। अब बात क्या हो रही है कि कभी कभी लीकर बनाने के लिए 3-3 साल लग जाते हैं। अब लीकर तो स्टॉक है, लेकिन आप बताओ 12 महीने के ऊपर लग गया तो वो भी क्वालिफाइंग असेट हो जाएगा ना यार। हेलो, यस। बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होता है कि इन्वेंटरी होता है? इन्वेंटरी होगा ना, इन्वेंटरी होगा ना, बिल्डर के लिए वो बेचेगा। मुझको आपको क्या बताना है, ऐसा नहीं है कि AS16 या ICDS9 खाली फिक्स्ड एसेट को अप्लाई होता है, फिक्स असेट को ही अप्लाई ऐसा होता ही नहीं है, करंट असेट मतलब इन्वेंटरी को भी हो सकता है। चलो ठीक है, मैंने बता दिया जो जो मुझे बताना था, चलो जिंदगी मुझे आज ही जाने दो। सर अगर स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट होगा, स्पेसिफिक बोरिंग मतलब एकदम डायरेक्टली रिलेटेड होगा, तो जितना आपने कॉस्ट भरा है उतना दे देना, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है। द एक्सटेंट टू विच फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, द अमाउंट amount of borrowing cost to be capitalized करना, ये word बढ़िया है, capitalize करना on the asset, capitalize करना मतलब उसके cost में add करना, shall be the actual cost incurring during the period, yes. such funds are borrowed, okay चलेगा सर।
और जो जनरल बोरिंग होती है, जनरल बोरिंग मतलब ओडीसीसी नॉर्मल आपका बोरिंग जो होता है नॉन स्पेसिफिक, उसको एवरेज बेसिस पे, उसका फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी बोला। सर कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। ए क्या है, ये ऑब्वियसली बोरिंग कॉस्ट है जिसको आपको अपोर्शन करना है क्वालिफाइंग असेट और अदर पर्पज के लिए, क्वालिफाइंग असेट और अदर पर्पज के लिए। तो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट स्पेसिफिक बोरिंग, एक्सेप्ट स्पेसिफिक बोरिंग क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं, तो जनरल बोरिंग कॉस्ट ओके, जितना आपने इंटरेस्ट भरा हुआ है। दूसरा बी में क्या आता है, बी में क्या आता है, बी मतलब आ रही आपका क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू, ठीक है ना, क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू। मुझे आपको एक एग्जाम्पल देने दो, पकड़ लो आपका बोरिंग कॉस्ट जो है ना, आपने 10 लाख रुपया दिया हुआ है, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये पीएनएल में है, और आपका क्वालिफाइंग असेट जो है, क्वालिफाइंग असेट की वैल्यू जो है वो है 10 करोड़, और अदर असेट की वैल्यू जो है वो है 30 करोड़, ठीक है ना, तो टोटल असेट कितना हो गया 40 करोड़। अभी 10 लाख का जो इंटरेस्ट आपने दिया हुआ ना, इंटरेस्ट ये दोनों के लिए इनकर्ड किया गया, दोनों के लिए, तो मुझे आप बता सकते हो कि इसमें कितना ऐड होना चाहिए, क्वालिफाइंग असेट में कितना ऐड होना चाहिए, जरा लॉजिक यूज करो और बताओ। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, जल्दी बताओ, लॉजिकली बताओ ना, कितना, क्या पूरा होना चाहिए, क्या पूरा 10 लाख होना चाहिए, ये 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ये भी 10 करोड़ है, पूरा होना चाहिए, क्या पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, प्रपोर्शन 40 डिवाइड बाय 10 इनटू 10, तो 10 लाख मैंने 10 लाख लिख दिया इनटू डिवाइड बाय इनटू 10 डिवाइड बाय 40, यस, डिवाइड बाय 40 कहां से लाया आपने बाबा, क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू डिवाइड बाय टोटल असेट का वैल्यू, टोटल क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू डिवाइड बाय टोटल असेट का वैल्यू, ये तुम समझ रहे हो क्या, इस प्रपोर्शन में बोरिंग कॉस्ट को ये कर दो, अपोर्शन कर दो 1/4, 1/4 कितना आता है 2.5 लाख। ओहो, तो जनरल बोरिंग का ऐसे किया जाता है, हाँ ये ऐसे नॉर्मली किया जाता है, लेकिन फिर मॉडलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को भी आपको आंसर करके दिए हुए हैं। तो यूजुअली क्या होता है, ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, ये क्या है, ये है बोरिंग कॉस्ट जिसको अपोर्शन करना है, कौन से रेशो में, बी डिवाइड बाई सी, तो बी का वैल्यू मतलब तो क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू होना चाहिए, और सी का वैल्यू मतलब टोटल असेट का वैल्यू, तो ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटू क्वालिफाइंग असेट डिवाइड बाई टोटल असेट, पहले टोटल असेट, लेकिन टोटल असेट कौन सा लेंगे सर, एवरेज, एवरेज मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस शीट प्लस करंट ईयर का बैलेंस शीट, ओपनिंग की ओपनिंग प्लस क्लोजिंग क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर उतना खर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना, तो एवरेज लिया जाएगा, एवरेज ऑफ टोटल असेट एज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द पर्सन ऑन द फर्स्ट डे, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द लास्ट डे, तो एवरेज वैल्यू कैसे आएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ असेट इज इक्वल टू, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल असेट इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ऐसी बात कर दी मैंने। तो सर अभी क्वालिफाइंग असेट का वैल्यू कैसे आएगा, सेम सेम ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है ना, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2, एवरेज वैल्यू लेना है, यहाँ पे भी एवरेज कॉस्ट लेना है, ठीक है। लेकिन सर कभी कभी ऐसे हो सकता है ना कि जब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे पास ओपनिंग वैल्यू था ही नहीं, क्योंकि असेट बनाना मैंने करंट ईयर में चालू किया, बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो ओपनिंग वैल्यू तो होगी नहीं, तो ओपनिंग वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यस और नो, 0 प्लस क्लोजिंग वैल्यू, यस, तो उन्होंने वही लिखा है, इन केस क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द ऑन द फर्स्ट डे, हाफ 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 मतलब 1/2 of the cost of the qualifying asset, मतलब last day का divide by 2, वैसे भी आप अगर formula अगर नया नहीं लिखते तो opening value 0 आता। अब दूसरी बात सर, कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है, जो wine हम 3 साल से बना रहे थे वो opening balance sheet में था लेकिन current year में वो बिक गया, ऐसा भी तो हो सकता है, बरोबर ना, हेलो तुमको हाँ। तीसरा सिचुएशन समझ रहे, क्या लिखा होगा उन्होंने, ओपनिंग में था लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं है, अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे ओपनिंग को ओपनिंग का वैल्यू लेना, क्लोजिंग में 0 है डिवाइड बाय 2, नहीं ऐसे नहीं करना है, उन्होंने बोला करंट ईयर में बिका है ना, तो ओपनिंग वैल्यू तो ले ही लेना, ओपनिंग वैल्यू तो ले ही लेना प्लस लास्ट डेट का वैल्यू ले लेना, क्या ले लेना, लास्ट डेट का वैल्यू, मतलब अगर आपने पकड़ लो 31 जुलाई पे बेचा हो दारू, ठीक है ना, तो ओपनिंग में तो था ही, डिवाइड बाय 2 कर देना, मैंने क्या बोला समझा, सेल करने के पहले जो वैल्यू था ओके,
तो ऐसे इन्होंने तीन अलग अलग सिचुएशन बनाए हुए हैं, एक बार रीड करियो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये कैपिटलाइजेशन मतलब इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कमेंस कब होगा, कमेंस कब होगा बताओ? लोन लेने के पहले हो सकता है क्या कमेंसमेंट? आपने असेट बनाना तो 2016 में चालू किया, आपने 2018 में लिया, तो इंटरेस्ट कब से चालू होगा, कंपटीशन कब से चालू होगा? 2018 चालू होगा ना, 2016 से थोड़ी ना के चालू होगा भैया। जब लोन लोगे तो बोरिंग कॉस्ट आएगी, लोन लिया ही नहीं तो बोरिंग कॉस्ट कहां से आएगी? तो उन्होंने क्या बोला, इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग ये स्टार्ट होगा फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑन विच लोन इज टेकन, बरोबर ना? 18 जुलाई को अगर लिया होगा तो 18 जुलाई से चालू होगा, 27 अगस्त को लिया होगा तो 27, क्योंकि स्पेसिफिक लोन है ना, ये लोन वही असेट बनाने के लिए लिया हुआ है। और जनरल बोरिंग जो होगा, जनरल बोरिंग उसका उन्होंने बोला फ्रॉम द डेट ऑन विच फंड्स वेयर यूटिलाइज। अब जनरल बोरिंग तो आपके पास 1 अप्रैल से था, लेकिन आपने जो पैसा यूटिलाइज किया इस असेट के लिए वो 15 जनवरी के लिए किया, 15 जनवरी किया। अब 1 अप्रैल से थोड़ा क्या कैपिटलाइज करोगे, जब पैसा यूज करोगे तभी आप उसको कैपिटलाइजेशन चालू करोगे। ये दो पॉइंट समझ में आ रहे क्या, जल्दी बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। जनरल बोरिंग होगा मतलब स्पेसिफिक बोरिंग होगा, तो जब लोन लिया तब से क्यों, तभी फंड यूज करो, नहीं करो उससे लेना देना नहीं है। क्यों नहीं सर? क्योंकि आपने लोन लिया यही असेट के लिए। जनरल बोरिंग का कैसा है, जनरल बोरिंग आपने जनरल पर्पस के लिए लिया हुआ है, उसका कैपिटलाइजेशन तभी होगा चालू जब आपने वो पैसा उसमें से निकाल के यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तो सर सीजेशन कब होगा, सीजेशन कब होगा मतलब रुकेगा कब, कमेंस तो हो गया, अब सीजेशन होना है मतलब रोकना है, कैपिटलाइजेशन को रोकना है। कब रोकेंगे कैपिटलाइजेशन को, कब रोकेंगे? इन केस असेट अदर देन इन्वेंटरी, मतलब फिक्स असेट जैसा असेट है, रोकेंगे कब? व्हेन्स इन दैट असेट इज पुट टू यूज। टालिया अकाउंट्स में इसका वर्डिंग अलग है, पुट टू यूज वर्डिंग नहीं है। अकाउंट्स का वर्डिंग बता सकते हो क्या आप, अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है, A16 में क्या लिखा हुआ है? रेडी टू यूज बता पांडा, रेडी टू यूज और पुट टू यूज में फर्क क्या है? रेडी टू यूज मतलब वो कंप्लीट हो गया और एफर्ट्स पुट टू यूज शायद ट्रायल का रहेगा। हाँ रेडी टू, नहीं, रेडी टू यूज मतलब देखो फैक्ट्री बन गई है, फैक्ट्री पकड़ लो बन गई 31 जनवरी पे, लेकिन आप गए पंडित के पास, पंडित को बोला भैया पूजा कब रखेंगे और चालू कब करेंगे, तो पंडित ने वो देखा कुछ टाइम वगैरह और बोला देखो 27 मार्च के पहले आप फैक्ट्री चालू मत करो। आप समझ रहे हो क्या? तो पुट टू यूज कब होगा, मार्च में कि जनवरी में? फैक्ट्री रेडी हो गया जनवरी में, जनवरी में यूज हो रहा है क्या? लेकिन नहीं, अकाउंट्स में जनवरी तक ही कैपिटलाइजेशन होगा, जनवरी के बाद उसको रेवेन्यू इंटरेस्ट माना जाएगा, क्योंकि असेट रेडी टू यूज है, एक्चुअल यूज नहीं करना आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोलता है नहीं, डेट ऑफ पुट टू यूज तक चलेगा। चलो ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है वो याद रख लेगा। In case of inventory का कब तक करेंगे? When substantially all activities necessary to prepare such inventory for intended sale are completed. मतलब अब समझ रहे हो ना, जब तक वो दारू बनने तक जितना भी क्या बोलते हैं लीकर बनने तक जितना टाइम होता है उतने टाइम तक कैपिटलाइजेशन होगा। एक बार वो दारू बॉटल में पैक हो गई और आपने सेल करने के लिए रख दिया दुकान में तो कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। ठीक है ना, तो सारी एक्टिविटीज आपकी खत्म जब तक ना हो तब तक उसको कैपिटलाइज करते रहना। डिस्क्लोजर देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। S16 या ICDS-9 मेरा हो चुका है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं सर। आगे क्या है, आगे लाइफ में बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका आपका AS हुआ नहीं है तो मैं बता देता हूं, हम बात कर रहे हैं AS-29 की। AS-29 में क्या होता है मुझे एक बात बताओ, ये करंट ईयर है। ठीक है ना, करंट ईयर क्या है आपका 1920, और आप कंपनी हो तो इतना तो पक्का है ना आपका ऑडिट होगा 2021 में, बोलो। yes. और ऑडिट 2021 में जो होगा वो 2021 का नहीं होगा, वो ऑडिट होगा 1920 का। ऑडिट कौन सा हो, कहाँ का होगा? 1920 का। तो ऑडिटर का फीस जो है, ऑडिट फीस मुझे बताओ, ऑडिट फीस कौन से ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए? 1920। लेकिन 1920 में रिकॉर्ड कैसे करोगे आप, ऑडिटर ने तो बिल दिया ही नहीं आप लोगों को। ऑडिटर बिल कब देगा, बिल ऑडिट फीस को आउटस्टैंडिंग नहीं मार सकते हम, आप समझ रहे हो ना, आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है समझते हो, आपको थोड़ा अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं। अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, अकाउंट्स में पैसा दिया नहीं है, अप्रूव्ड होता है, पैसा दिया नहीं लेकिन क्या आ गया है, बिल।
बिल आ चुका है, जैसे आपने मार्च का इलेक्ट्रिसिटी मार्च में नहीं भरा, अप्रैल में भरोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है। मार्च का सैलरी मार्च में नहीं दिया तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है क्या यहाँ पे 1920 में? बिल आया सीए ताई, बिल आया क्या ताई? उधर आजू बाजू में किधर से तो बात कर रही है? अरे मेरे से बात करो। लाइट बिल आ गया उसके घर। 1920 में मुझे बताओ सीए देता है क्या बिल? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नो, सीए बिल कब देगा? ऑडिट खत्म होने के बाद ना। ऑडिट खत्म कौन सी? 2021 में, ठीक है ना। 5 लाख का सीए का बिल आ गया 2021 में, लेकिन ये 5 लाख का बिल कौन से ईयर में बुक होना चाहिए मुझे जल्दी बताओ ना यार, फिर से बताओ। 2021 में बुक होना चाहिए जब ऑडिटर ने बिल दिया तब, या 1920 में होना चाहिए? बोलो, इनवॉइस किस साल में आया है? 1920। लेकिन आप तो बुक नहीं कर पाओगे ना, आउटस्टैंडिंग तो है नहीं, तो क्या करने का? क्रिएट प्रोविजन करने का। देखा पांडा, वही तो मैं वर्ड सुनने का ट्राई कर रहा था। तो प्रोविजन ऑफ ऑडिट फी मतलब देनी पड़ेगी कितनी, वो हमें नहीं पता, वो एस्टिमेट करना पड़ता है। मैनेजमेंट वगैरह का एस्टिमेशन बेसिस पे चलता है ये सब, ठीक है ना। प्रोविजन, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या 31 मार्च का, मार्च टू मार्च आता है क्या? ऐसा कभी भी आता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल? हाँ, अब जरा सुनो, मैं आपको अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये ना बड़े बड़े तोफ लोगों को नहीं पता, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये मार्च का महीना है, मार्च के महीने में ना 20 मार्च को ना इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 20th मार्च को, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 10,000 रुपए का या 12,000 रुपए का ले लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी चला जाएगा। 12,000 रुपए का आपके फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपने भरा नहीं, क्या एंट्री मारोगे इसके लिए? जल्दी बोलो ना, एंट्री क्या मारोगे आप? बिल आया आपके फैक्ट्री में, एंट्री जर्नल एंट्री बोलो ना राजा प्लीज। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं। फ्यूचर के कॉस्ट अकाउंटेंट अपना नाम खराब ना करियो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, बिल भरा नहीं है, एंट्री बताओ, एंट्री बताओ, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करेगा और तुमको 5 मिनट अच्छी अच्छी गालियां देगा। जल्दी एंट्री बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? एंट्री बताओ, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का एंट्री बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जर्नल एंट्री बताओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट एबिट, विजय टू इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, विजय डब्बा एक्सपेंसेस अकाउंट एबिट टू आउटस्टैंडिंग, विजय डब्बा रेडी रहा, ये लोग को देना पड़ेगा अपने को। विजय, विजय नहीं लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, हाँ अभी विजय ना तेरा ही प्रोडक्ट दे देना इनको। बाबा एक्सपेंस है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सुना है कभी? हाँ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 12,000 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट 12,000। अब ये दिखेगा कहां पे? आपके पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और यहाँ पे आपको एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी, ये यहाँ पे 12,000 दिखेगा, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में आपको 12,000 साइड पे, बरोबर है? बोलो बरोबर है कि नहीं है? ये मैंने जो बोला तुमको समझ रहा है? अरे घर पे अपने घर वालों से बाद में बात करो ना, अभी लेक्चर खत्म होने आ ही गया ताई। हाँ, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, इज इट अ कंप्लीट अकाउंटिंग? क्या आपने अकाउंटिंग बरोबर किया ही है? करते तो ऐसे ही है, बट इज इट राइट अकाउंटिंग? बोलो बोलो, तुमको तो पता भी नहीं चलेगा और चलेगा कि सालों गलत क्या किया है, कैसे अकाउंटेंट बनोगे आगे जाके? हाँ, ये जो पीरियड है, ये पीरियड
मतलब कौन सा 11th मार्च टू 31st मार्च, इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को। हेलो, हुआ रहेगा, हुआ तो रहेगा, लेकिन इसका आपने बुक किया है क्या कुछ? नहीं नहीं, तो ये सही है कि गलत है? ये मैचिंग गलत है। इस पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी बुक यूज करके इस पीरियड में आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, तो उस पीरियड का खर्चा उसी पीरियड में होना चाहिए, लेकिन आपको बिल पता है क्या कितना है यहाँ पे? ये बिल कब आएगा? ये बिल आएगा 20 अप्रैल पे। तो ये 10-11 दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है वो रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्सपेंस हुआ होना चाहिए, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आप आउटस्टैंडिंग नहीं मार सकते, ना 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 ना, आउटस्टैंडिंग के लिए बिल होना चाहिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? रिवीजन। जनरल एंट्री पूछ रहा हूँ, जनरल एंट्री पांडा, ट्रू और फॉल्स नहीं करना, ट्रू फॉल्स। इसको बताओ, लुका पैसिओली की आत्मा मरेगी उधर? लुका पैसिओली ने बोला था कि डबल एंट्री होना चाहिए, मतलब एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। जोनर एंट्री सामना बाबा, देखो डेबिट तो आपको पता होना चाहिए राजा, क्योंकि है तो खर्चा ही ना। एक्सपेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी है एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने का प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, बिल कितने का बनाओगे वो बता रहा हूँ। ये प्रोविजन कितने का बनाओगे? अब देखो ना, आपका एक महीने का बिल जो है ना, मतलब 30 दिन का बिल 12,000 आता है ऑलमोस्ट, तो 10 या 11 दिन का बिल निकाल नहीं सकते क्या उसमें से? प्रपोर्शनेट तो 1/3 अगर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4,000 का बिल तो आना ही है ना यार, तो 4,000 बुक कर दो, तो आपका प्रोविजन, आपका जो प्रोविजन है ना वो बेसलेस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बेसलेस नहीं होना चाहिए, उसके एस्टिमेशन का बेस होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये सारी बातें हो गई। अब इसमें ना ये प्रोविजन की बातें की मैंने, कौन सी बातें की? प्रोविजन की, कि प्रोविजन बना। दूसरा एक वर्ड होता है कंटिंजेंट असेट। कंटिंजेंट असेट ये सुना है कभी आपने? कंटिंजेंट असेट वर्ड मे और मे नॉट बी, हाँ मतलब विजय गया दुकान में लॉटरी लेकर आया, लॉटरी लेकर आया, नाचना चालू हो गया, मेरे को लॉटरी लगेगी, मेरे को लॉटरी लगेगी, मेरे चलता है क्या ऐसा? नहीं, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये कब लग सकती है? जब उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नेक्स्ट ईयर में आने वाला है क्या? अभी वो इनकम बुक करके रख देगा? नहीं, नहीं लग सकता, ठीक है ना, ये नहीं रख सकता। वो पता है वो गूगल पे में आप जब गूगल पे टू गूगल पे यूजर ट्रांसफर करते तो 1,00,000 रुपए का ऑरेंज कलर का स्क्रैच कार्ड आता है, पता है आपको? हाँ, पता है। वो नेक्स्ट फ्राइडे पे ओपन होता है, तो आप पकड़ लो अभी आपने 31 मार्च के लास्ट फ्राइडे के पहले आपने पे किया और अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो स्क्रैच होने वाला है, क्या 1,00,000 रुपए का एंट्री मार के रख दोगे बुक में? शायद लग भी सकती है 1,00,000 रुपया, बोलो। नहीं लगी तो? नहीं लगी तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, 99% लगता है कि नहीं मार सकते एंट्री, तो इसका एंट्री होना चाहिए क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? जल्दी बोलो, रिसीवेबल का नहीं, नहीं। जब होगा वो अकर होएगा तो ही। हाँ, कंटिजन असेट का एंट्री नहीं होना। हाँ, लॉटरी लग गई लेकिन अभी तक विजय को पैसे नहीं मिले हुए, लॉटरी लग गई है लेकिन पैसे नहीं मिले, प्रोसीजर के लिए टाइम लगता है, हाँ तो रिकॉर्ड कर सकता है। जब रीजनेबल सर्टिनिटी होगी कि ये असेट मिलने वाला है तो ही हम असेट को रिकॉर्ड करते, कंटिजन असेट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसा आपको एज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है कुछ, कंटिजेंट लाइबिलिटी। सर कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? अब आपके ऊपर किसी ने ना केस ठोक दिया, जैसे पकड़ लो विजय का चाइनीज का गाड़ी है अपना एरिया में, ठीक है ना, और विजय के चाइनीज की गाड़ी में ताई जो है वो चाइनीज खाने गई और ताई को मिला इतना मोटा कॉकरोच, बताओ क्यों? यू, ये तो यू नहीं करना है। अभी विजय को आपने क्या बोला? अब तू रे, तेरे पे ना मैं डायरेक्टली ना फूड ऑल्टरेशन एक्ट के अंदर ना वो केस ही ठोक दूंगी, ठीक है ना। तो आपने केस ठोक दिया, अब बताओ, और केस का जो पेनल्टी आएगा वो कुछ 10,00,000 के आसपास आएगा, 10,00,000 के आसपास का पेनल्टी मांग रहे हो आप कि कॉकरोच मिला मेरे खाने में, 10,00,000 रुपया चाहिए कॉम्पेंसेशन। हाँ,
क्या 10 लाख रुपया विजय एक्सपेंस करके बुक कर दे, लाइबिलिटी करके बुक कर दे बैलेंस शीट में? अभी केस फाइल हुआ है खाली? नहीं नहीं no. क्यों? क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, बातें होंगी, शायद ऐसा भी हो सकता है ताई अपने घर से कॉकरोच बैग में लेकर आई थी चाहे इन्वेस्टिगेशन होगा ना, बाकी सारी चीजें भी तो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उन्होंने बोला अगर प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, 50% से मतलब लेस देन हाफ ही भाई बोलते मुझे चाइनीज से अरे एग्जांपल लेता इतना का मन पे ले रहे हो, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी अगर लेस देन 50% है, लेस देन 50%, तो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में बता देना शेयर होल्डर को कि ऐसा एक केस हुआ है हमारे ऊपर। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कंटिंजेंट लाइबिलिटी अकाउंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज नोट देना पड़ेगा। ये बात बरोबर है? मैंने बरोबर बोला? बराबर। देखो टैक्स के प्रोफेसर से अकाउंट्स पढ़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? फिर भी पढ़ रहे हो तुम देशरम बच्चों, ये बराबर अच्छी बात है। नहीं 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 सुनो, अभी दूसरी बात समझो। अगर 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 प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% मतलब विजय को लगता है कि शायद केस हार ही जाएंगे, अपने एरिया में कॉकरोच तो बहुत है, शायद हार ही जाएंगे, शायद कंफर्म नहीं है, तो आपको नहीं लग रहा उसको प्रोविजन करके रख देना चाहिए इतने का? हाँ. तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% है तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दो, और प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% होगा तो प्रोविजन क्रिएट करो। आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, मैंने क्या बोला समझा? आउटस्टैंडिंग अभी तक केस का ऑर्डर नहीं आया है, प्रोविजन क्रिएट कर रहे, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, और इस पूरे सिस्टम को प्रूडेंस बोलते, क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलते हैं या कंजर्वेटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना? फ्यूचर में होने वाले खर्चों का, होने वाले हो सकते हैं उसका आज ही हम क्या करके रख देते हैं? प्रोविजन करके रख देते हैं। इतनी बात क्लियर है मैंने क्या बोला? ये तुम लोग चाइनीज की बातें बाद में करो, मेरी बातें रिप्लाई करो जल्दी। अकाउंट समझ में आया क्या? क्योंकि आपने बोला था आपको AS-29 नहीं आता, तो मैंने पढ़ा दिया AS-29 पढ़ा दिया, समझ में आया मैंने क्या बोला? रिप्लाई दो, 5 मिनट बचे मेरे पास। हाँ ठीक है, अपना आपका रिप्लाई आगे सर, मैं आगे जा रहा हूं। अब ICDS क्या बोलता है? भैया प्रोविजनिंग बेसिस पे एक्सपेंस कैसे अलाउ करे आपको? इनकम टैक्स में आ गया मैं, इनकम टैक्स में प्रोविजनिंग बेसिस पे एक्सपेंस अलाउ होते हैं क्या? बोलो नहीं। इनकम टैक्स प्रोविजनिंग बेसिस पे कैसे एक्सपेंस अलाउ करे? एक्सपेंस इनकर होने दो ना, फिर कर देंगे अलाउ। अभी प्रोविजनिंग बेसिस पे अलाउ करने की कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स थोड़ा सा अलग है, देख लो क्या बोलता है। This standard deals with provisions, contingent liability and contingent asset, except मतलब कुछ आइटम जो है जो किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होते हैं वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, आइटम कवर्ड अंडर अदर ICDS, ठीक है ना? तो ये सब मैं बात नहीं कर रहा, जाने दो, बात यहां से कर रहा हूं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? नहीं, सब बंद करना पड़ेगा। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच इज, ठीक है ना? प्रोविजन विच इज अ, प्रोविजन क्या है बता रहा है? प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट। बताओ जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रोविजन किया था तो मैंने अच्छे से एस्टिमेट किया था कि नहीं किया था उसको, कि ऑन एन एवरेज 12,000 का बिल आता है तो 10 दिन का बिल मेरा जो होगा वो 4,000 होगा। बोलो आपको एस्टिमेट करने आया था? yes. प्रोविजन का आया था। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। सर लाइबिलिटी क्या होता है? भैया वो तो बिल आपके हाथ में आ चुका है, प्रोविजन नहीं क्रिएट होगी, वो तो बिल है, ठीक है ना? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन बीइंग अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या था? आपने लाइट यूज किया था, सेटलमेंट ऑफ व्हिच इज एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम द रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। तो आपने कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया था, अब आपका आउटफ्लो होने वाला है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। ये डेफिनेशन है प्रोविजन की, ये डेफिनेशन है लाइबिलिटी की, ठीक है ना? ऑब्लिगेटिंग इवेंट मतलब क्या सर? ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपके सर के ऊपर लाइबिलिटी आई है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज एन इवेंट दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन, ठीक है ना? वेरी गुड सर। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी की बात करते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल मतलब समझते हो सकता है, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पहला कंडीशन, कुछ कांड किया आपने
दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस, अकरेंस मतलब होना, नॉन अकरेंस मतलब नहीं होना, ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है ठीक है ना, सर्टन होता तो हम लाइबिलिटी बुक कर दे, लेकिन अनसर्टेन है उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं. सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज, कभी कभी ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता, इसको एक्सपेंसेस क्यों नहीं किया बुक किया जाता, कंटिन्यू लाइबिलिटी क्यों बोला जाता है, इट इज नॉट रीजनेबली सर्टन दैट द आउटफ्लो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिक्वायर्ड टू बी सेटल द ऑब्लिगेशन और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड. कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें पता है कंटिजेंट लाइबिलिटी, फिर भी हम उसको अभी तक रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक तो कंफर्मेशन नहीं है कि ये पक्का होगा, खर्चा होगा या नहीं होगा, और दूसरा हमारे पास उसके कितना खर्चा होगा उसके एस्टिमेट नहीं है. कंटिजेंट असेट क्या होता है, डेफिनेशन देखो, कंटिजेंट असेट क्या होता है, इज अ पॉसिबल असेट, मतलब वो ड्रीम इलेवन, गूगल पे, लॉटरी, पॉसिबल असेट दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एग्जिस्टेंस ऑफ विच will be confirmed by only occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event and not wholly within the control of the person. ठीक है चलेगा, ये contingent asset है. Executory contract, present obligation, ये बाद में देख लेना. Recognition, सबसे important बात recognition पे आती है. Recognize क्या करेंगे हम? Recognize क्या करेंगे? मेरा time खत्म हो रहा है. Provision shall be recognized. Provision कब recognize करना होता है? When a person has a present obligation as a result of past event. जैसे आपको पता चलता है obligation है, आप उसकी provision मार दो. ठीक है ना? It is reasonably certain कि पैसे जाने वाले आपके, ठीक है ना, एंड रिलायबल एस्टिमेट भी बना सकते हो. तो तीन कंडीशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, रीजनेबली सर्टेन, रिलायबल एस्टिमेट, बना दो प्रोविजन. नो प्रोविजन शैल बी रिकॉग्नाइज फॉर द कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड टू ऑपरेट इन फ्यूचर. नो प्रोविजन, जो फ्यूचर में होने वाला है 100%, उसके लिए अभी प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है. इट इज ओनली दो द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो इवेंट हो चुका है उसका ही प्रोविजन आप करते हो फ्यूचर इवेंट का. नेक्स्ट ईयर भी ऑडिट होगा, नेक्स्ट ईयर भी सैलरी देनी पड़ेगी, उसका प्रोविजन करंट ईयर में नहीं होता. कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करनी है, कंटिंजेंट असेट भी रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है ना.